आज हमारा स्वामी विवेकानंद जी के जन्म तिथि है एंड आज दिन को भारत सरकार राष्ट्रीय युवा दिवस तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। युवा धन जो है वो देश का सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा रिसोर्सेस होते हैं एंड हम लोग सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारा भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा युवा धन रहते हैं। तो लगभग 29 ईयर्स के एवरेज का उम्र में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में, अन्य देश का कंपैरिजन में भारत में जो पॉपुलेशन है इसमें सबसे ज़्यादा यंगर पॉपुलेशन है। तो इसी के लिए भारत सरकार है एंड राज्य सरकार है अलग अलग कार्यक्रम के हिसाब से युवा जो यंगर जनरेशन है इन लोगों के कैसे विकास होगा, इन लोगों कैसे हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ जुड़ सकते हैं, इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम हाथ में लिया हुआ है एंड इस सिलसिला में हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राज्य सरकार एंड भारत सरकार के तरफ से यंगर जनरेशन को कैसे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आता है जैसे मशीन लर्निंग है, डाटा माइनिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, सुपर कंप्यूटिंग एनालिसिस है एंड बिग डाटा एनालिसिस, इस तरीके से जो रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस तरीके का जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आता है इसमें कैसे हम लोगों हमारा युवा जो यूथ जनरेशन है इनको अच्छा तरीके से ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड इनका एंगेजमेंट दे करके इनको आत्मनिर्भरशील कर सकते हैं ताकि ये लोगों का जो कंट्रीब्यूशन होगा सो ये लोगों इसके माध्यम से हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के जो सपना है वो पूर्ण हो सकता है। इसके लिए गुज कोस्ट हमारा राज्य में अलग अलग इंस्टीट्यूशन में इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का डिजाइन लैब, सुपर कंप्यूटिंग लैब, क्रिएटिव टिंकरिंग लैब, ये सारा सब अलग अलग लैब एंड क्रिएटिव सेंटर हब बना करके इसमें अलग अलग युवा यंगर जनरेशन एज वेल एज द स्टूडेंट्स को एक बहुत प्रायोरिटी में इनको ट्रेनिंग एंड इनको एंगेजमेंट देते हैं। इसके साथ हमारा 4 रीजनल साइंस म्यूजियम, साइंस सिटी में 2 नया गैलरी, ये सारा अभी ये साल में अभी ओपन होगा पब्लिक के लिए एंड ये वो हमारा जो स्टूडेंट एंड यंगर जनरेशन है इनके लिए एक इनोवेशन हब तरीके से ये इनको और क्रिएटिव एंड इनोवेटिव करके हमारा राष्ट्र में इनको स्टार्टअप एंड इनका एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनका जो इंजीनियरिंग स्किल का विकास के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप रहेगा।